नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार सीमेंट कैसे बनती है और यह सीमेंट कितने तरह की होती है और कौन कौन से इस मटेरियल से बनती है। आप लोगों ने यह तो देखा ही होगा कि आखिरकार सीमेंट का जो उपयोग होता है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में या हम लोगों का जो होम स्वीट होम होता है उसको बनाने में काम आता है। सीमेंट के बिना हम किसी भी तरीके से कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो यह सीमेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार जो यह सीमेंट होती है उसकी खोज कहाँ से हुई। तो सीमेंट की जो खोज है वो विलियम्स एस्पडिन ने किया था, जो कि 1824 में इंग्लैंड में की गई थी। इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नामक पहाड़ी है जिसका रंग सीमेंट के जैसा ही है, इस कारण सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। भारत में सीमेंट का उत्पादन 1913 में शुरू हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार जो यह सीमेंट होता है इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा होता है और कौन कौन से इसमें तत्व जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होता है वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि लगभग 62-65% होता है। उसके बाद आता है इसमें हमारा मिट्टी, जिसे हम लोग SiO2 के नाम से जानते हैं, जो कि रहता है लगभग 20-25% के आसपास। उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिना, एल्यूमिना हमारा 6-8% होता है। और उसके बाद आ जाता है HgO, जो कि रहता है 1.5-3% तक। फिर आता है हमारा आयरन ऑक्साइड, जो कि रहता है 2-4% तक। फिर आ जाता है हमारा जिप्सम, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि लगभग 3-5% तक का हो सकता है। इसके बाद हमारा इसमें एक और चीज़ यूज होती है, जो कि होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि 1.5-2% तक का यह हो सकता है। तो फिलहाल ये तो रहा हमारा यह जानकारी कि आखिरकार सीमेंट में कौन कौन से तत्व जुड़े हुए होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सीमेंट कैसे बनाई जाती है। तो सीमेंट के निर्माण के लिए सबसे पहले खदानों में से चूना, पत्थर तथा मिट्टी को गाड़ियों के द्वारा सीमेंट की फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर उसे मिलाकर पानी से धोया जाता है ताकि उसमें मौजूद जो कचरा होता है वह बाहर निकल जाए। उसके बाद इसे 1450 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे इसके नेचुरल कंपाउंड टूट जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, जिसे खंगर या फिर क्लिंकर कहते हैं। इसके बाद में इसमें जिप्सम मिलाकर इसे बारीक पीस लिया जाता है। जिप्सम इसलिए मिलाते हैं ताकि पानी में भीगते ही सीमेंट खत्म ना हो जाए। अगर सीमेंट पानी में डालते ही खत्म हो जाएगी तो हम इसे दीवार पर सही से लगा नहीं पाएंगे। इसके बाद सीमेंट को ठंडा करके पैकिंग की जाती है और सीमेंट को क्वालिटी के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि है ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53। सीमेंट बनाने के 28 दिन बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है, तब इसकी श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। तो ये तो जानकारी रही कि आखिरकार सीमेंट कैसे बनती है। अब आगे आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार सीमेंट के कितने प्रकार होते हैं। सीमेंट को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के आधार पर सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। कुछ जगह जैसे बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि के निर्माण के लिए अच्छी क्वालिटी के सीमेंट की ज़रूरत होती है। यह सीमेंट 100-150 साल तक टिक सकती है, लेकिन घर, चार मीनार तथा सड़क आदि के निर्माण में लो क्वालिटी के सीमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सबसे नंबर वन पे आता है वो है हमारा पोर्टलैंड ब्लास्ट सरफेस स्लैग सीमेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सल्फेट रेजिटेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। थर्ड पे आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट।
रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, जिसे पीपीसी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट आता है, जो कि है ओयल वेल सीमेंट के नाम से। फिर आ जाता है हमारा लास्ट में, जो कि है वाइट सीमेंट। तो इतने तरीके के हमारे सीमेंट होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर भारत में सीमेंट बनाने वाली कौन कौन सी प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें नंबर वन पर जो आता है वो है हमारा ACC सीमेंट, दूसरे नंबर पर जो आता है L&T सीमेंट, थर्ड श्री अल्ट्रा सीमेंट, फोर्थ बिनानी सीमेंट, फिफ्थ अंबुजा सीमेंट, सिक्स श्री सीमेंट, सेवन्थ बिरला सीमेंट एंड सेकेंड लास्ट हमारा है JK लक्ष्मी सीमेंट। ये समय के आधार पर कभी कभार ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब इसमें हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, वो यह है कि आखिरकार जो वाइट सीमेंट होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो वाइट सीमेंट में अगर आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम की मात्रा कम कर दी जाए तो सफ़ेद सीमेंट वह बन जाती है और वाइट सीमेंट की जगह यूज किया जा सकता है। जैसे कि सफ़ेद सीमेंट का इस्तेमाल डेकोरेशन में किया जाता है, कंक्रीट को रंगने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टाइल्स को आपस में जोड़ने में, मार्बल्स के फर्श के नीचे पत्थर की स्थित करने में और दीवार में छोटे गड्ढों को भरने के लिए हमें वाइट सीमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके घर में वाइट सीमेंट किस लिए यूज हुआ था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो होंगी वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकेगी। अब आखिरकार हम आगे आते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो हमारी सीमेंट होती है उसकी आखिरकार हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि यह हमारी सीमेंट असली है या फिर नकली। तो मार्केट में ब्रांडेड कंपनियों की आड़ में नकली सीमेंट भी बहुत ही तेज़ी से बेची जा रही है, इसलिए सीमेंट को खरीदने से पहले चेक जरूर कर लें। सीमेंट के पैकेट के ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग जरूर चेक करें और असली सीमेंट गर्मी हो या सर्दी हमेशा ठंडी रहती है। असली सीमेंट बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह होती है, तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि आखिरकार कौन सी सीमेंट असली है और कौन सी सीमेंट नकली। क्या आपने कभी नकली सीमेंट पाई है? और अगर हाँ तो हमें जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी बजाएं।